हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज बोर्ड का 10th का सेशन 2020-21 का मॉडल पेपर आ चुका है। इस बार मॉडल पेपर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए। इन चेंजेस को देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे बड़ा जो चेंज किया है इसके अंदर, इस बार बोर्ड MCQ बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आया है। एक जो और एक बड़ा चेंज किया है, इस बार बोर्ड आंतरिक क्वेश्चनों में इस बार 20 से लेकर 28 तक के क्वेश्चनों में चॉइस दिया, मतलब 9 क्वेश्चनों में, और ऐसा पहली बार हुआ है। और पहली बार हुआ है कि तीन क्वेश्चन के अंदर 26, 27, 28 एक साथ तीन क्वेश्चन के अंदर एक एक क्वेश्चन में तीन तीन चॉइस दे रखी है। आपको तीनों चॉइस में से एक ही क्वेश्चन करना है। जो इस बार चॉइस है वो सेम चैप्टर में से ना होकर इस बार अलग अलग चैप्टर्स में है। इस बार एक एक नंबर के क्वेश्चनों की संख्या 20 है। जो पहला क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट है, 1 से लेकर 10 तक, ये सारे के सारे बहुविकल्पीय हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ABCD वाले क्वेश्चन। आपने इसमें से ऑप्शन को टिक करना है आंसर निकाल के, और 2 से 11 तक जो हमारे पास क्वेश्चन है एक एक नंबर वाले, तो टोटल ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट, 2 से 11 तक 10 पार्ट, 20 नंबर के हैं। इसके बाद जो पार्ट बी है उसके अंदर 8 क्वेश्चन है 12 से लेके 19 तक, 16 नंबर के। पार्ट सी है 20 से लेके 23 तक, इसके अंदर आंतरिक चॉइस दे रखे। आंतरिक चॉइस इस बार बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, एक चैप्टर में ना देके अलग अलग दे रखी है। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन 21, 22 और 23, इन सबके अंदर क्या है, जो एक क्वेश्चन है वो तो रेखा गणित का फिक्स कर दिया है, रेखा गणित, ये भी रेखा गणित का है, ये भी रेखा गणित का है, ये भी रेखा गणित का, मतलब त्रिभुज के चैप्टर में से या वृत्त के चैप्टर में से आ गया है। और एक क्वेश्चन जो 20 में है वो है निर्देशांक ज्यामिति, ये भी निर्देशांक ज्यामिति का है, ये वृत्त की परिधि क्षेत्रफल में से है, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, मतलब मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्यूबो क्यूबोइड या वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, इन दोनों में से। ठीक है, तो मतलब रेखा गणित का, और ये दोनों एक साथ है, दोनों में से एक को करना है, ऐसे ही निर्देशांक ज्यामिति और रेखा गणित में से एक को करना है। अगर आपको रेखा गणित कम भी आती है तो भी आपको स्कोर करने का इस बार ज्यादा फायदा है, अगर बोर्ड का पेपर मॉडल टेस्ट पेपर के हिसाब से आ गया तो। इसके बाद 24 और 25 नंबर, इनमें भी चॉइस दे रखी है 24 और 25। एक में तो है रचना का क्वेश्चन, रचना के साथ हमारे पास है आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन, क्षेत्रफल व आयतन। और दूसरा क्वेश्चन ग्राफ में ही है, लेकिन ग्राफ का इस बार दोनों क्वेश्चन ही ग्राफ में चॉइस है, मतलब जो आपको इजी लगता है वही आपने ग्राफ का क्वेश्चन करना है। बोर्ड ने इस बार पहली बार एक ही क्वेश्चन में तीन चॉइस दे रखी है, 26, 27, 28, ऐसे तीन क्वेश्चन है हमारे पास, 26, 27, 28, तीन चॉइस। कैसे हैं? एक क्वेश्चन तो है समांतर श्रेणी का, एक है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का किसी भी चैप्टर में से हो सकता है, ऊंचाई दूरी सर्वसमिकाएं और टेबल वाला क्वेश्चन। और तीसरा सांख्यिकी का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का मीन निकालना, माध्यक निकालना, कुछ भी, वो तीनों में ही ऐसे हैं। अगर आपके पास आ जाता है तो बोर्ड का पैटर्न का पेपर तो आपके लिए बहुत स्कोरर पेपर होगा इस बार। अच्छी तरह से तैयारी करनी है, 100 में से 100 लाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर ज्योमेट्री पोर्शन के इजी इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं तो भी 100 में से 100 आते हैं, 80 में से 80, पूरे में से पूरे लाने के पूरे चांसेस हैं इसके अंदर। अगर इस टाइप से आया तो कि तीनों क्वेश्चन समांतर श्रेणी के आगे, वो तीनों ही आपने अटेम्प्ट कर दिए, या तीनों ही आपको त्रिकोणमिति के आते हैं, तीनों ही सांख्यिकी के आते हैं जो सबसे इजी होते हैं। ठीक है, तो तीनों में से एक को करना है, 26 में तीन क्वेश्चन है एक करना है, 27 में तीन क्वेश्चन है एक करना है, 28 में तीन क्वेश्चन है एक करना है। आप इस पैटर्न को अच्छी तरह से नोट कर लो, इस तरह से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। इस मॉडल टेस्ट पेपर को हम सोल्व करके भी करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे जैसे इस पैटर्न से क्वेश्चंस को करेंगे, हम मॉडल पेपर को पूरा सोल्व करेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन आपके पास आते जाएंगे, आप उसकी रिवाइज कर लेना, मॉडल टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लेना, तो सीधा उस क्वेश्चंस को टिक कर लेना, आंसर नोट कर लेना, नहीं तो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तब तक आप इसको नोट करें, तब तक आप स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करें और टारगेट बनाएं कि हमने पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने हैं इस बार, या अच्छा स्कोर करना है। ओके, थैंक यू।